खबर विकासनगर से है, जहां पर आसन बैराज झील के आसपास हो रही गंदगी और संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही की खबर को एमकेएन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद बैराज झील के आसपास चकराता वन की टीम ने गश्त बढ़ा दी है। साथ ही झील के आसपास होने वाली गंदगी को हटाने की पहल भी शुरू कर दी है। तो आसन बैराज दो नदियों अर्थात आसन और यमुना के संगम बिंदु में है। बैराज में 444.40 हेक्टेयर में फैली आर्द्र भूमि है, जो आसन नदी से भरी जाती है। जब पानी का स्तर नीचे चला जाता है तो कुछ द्वीपों को आर्द्र भूमि में देखा जा सकता है। सर्दी बढ़ते ही विकासनगर आसन बैराज में विदेशी पक्षियों का जमावड़ा लगने लगता है। इन विदेशी पक्षियों को देखने के लिए पर्यटक भी यहां पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर लगा गंदगी का अंबार लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार यहाँ पे गश्त बढ़ाई गई है, प्रशिक्षु वनारक्षियों की गश्त यहाँ पे समय समय पर बढ़ाई गई है, और ये गश्त दिन में भी कर रही है और रात को भी गश्त कर रही है। उनके साथ स्थानीय स्टाफ भी है, साथ में रहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो है पक्षियों को छेड़खानी ना करें, पक्षियों की सुरक्षा के लिए कोई शिकार की अवैध घटना ना हो। यहाँ कुछ लोग, जैसे आपके चैनल से भी पता चला कि कुछ लोग यहाँ पे बैठते उठते हैं और कुछ सेवन वगैरह करते हैं, तो उनको भी हटाने के लिए ये गश्त लगाई गई है।